हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछले वीडियो का ही एडिशनल पार्ट है। इसमें हम एक छोटी सी पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जो अगर आपने लास्ट वीडियो ठीक से देखी है तो वहां पर आपने सॉल्यूशन करने की कोशिश की होगी, तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम है कि हम जब कस्टम फंक्शन बनाते हैं तो वहां पर हमारी जो सेट नेम है वो फिक्स हो जाता है। तो यदि हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमारे पास मल्टीपल सीट्स हैं, वहां पर हम इसे कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा है मैथ्यू सर ने, जो उन्होंने मेल पर रिप्लाई किया है। तो मैंने उनका डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि कुछ कोई इशू क्रिएट ना हो, और मैं उस डेटा पर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही काम का होने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। मेरे पास ये दोनों शीट हैं और इन दोनों ही शीटों को मुझे कंबाइन करना है, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी। जैसे यहाँ पर शीट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से हैं, और यहाँ पर ये डेट है और ये ब्लू वाला डेटा मुझे लेना है एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं और यहां पर इस फाइल को क्लोज करता हूं, और अब कनेक्ट करने जा रहा हूं डेटा ऐसे वर्कबुक। अब यहां पर क्या इश्यू आने वाला है हमको, पहले मैं इस फाइल को किसी भी एक फाइल को ले लेते हैं। हमें पहले ऑब्वियसली बात है कि हमें एक कस्टम फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पहले सॉल्व करनी है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं और यहाँ पर ये चारों सीटों को मर्ज करना है और हम सिर्फ एक सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर वन प्रॉब्लम यही है, और इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे इसे हम डायनेमिकली सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये डेट आ चुकी है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं इसकी कोड में जाता हूं इसके, तो देखिए यहां पर ये फिक्स है। एडवांस में दिखाता हूं, यहां पर ये जो है शीट जो है फिक्स हो गई है और ये सिर्फ एक सीट है। अब मुझे एक फाइल की चारों सीट्स में या पांच सीट, जो भी कितने भी सीट्स हो, उन सभी सीटों में पहले ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यानी पहले एक पूरा कस्टम फंक्शन सॉल्व करना है, उसके बाद कोई दूसरी फाइल लेनी है और उसमें भी जितनी सीट है उन सब पर ये अप्लीकेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर जो आइटम नेम जो शीट ये है फिक्स है, तो हम सीधे बाइनरी फाइल को कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टेबल को कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कस्टम फंक्शन क्रिएट करने से पहले अगर मैं इस फाइल को ऐसे फोल्डर कनेक्ट करूं, इस फाइल को, इसमें कितनी फाइल हो सकती है उस पर कोई मैटर नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये बाइनरी फाइल है, तो ये बाइनरी फाइल है, लेकिन ये बाइनरी फाइल में से मुझे डेटा, इस बाइनरी फाइल के अंदर भी चार सीट्स हैं, तो उसको मुझे डायनामिकली कैसे निकालना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर से बाकी सभी हटा देते हैं, और क्योंकि ये एक्सेल फाइल है तो बाइनरी टू एक्सेल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एक्सेल डॉट वर्कबुक। तो सबसे पहले इस बाइनरी को हम एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे उस फंक्शन की हेल्प से। तो एड कॉलम में जाते हैं और क्लिक करते हैं कस्टम फंक्शन पर, और यहां पर मैं यहां लिखता हूं एक्सेल डॉट वर्कबुक, और यही बाइनरी कंटेंट यहां पर बनाता हूं। बिल्ट इन फंक्शन है ये। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस बाइनरी से टेबल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, ये टेबल आ रही है, देखिए ये टेबल है और एक ये टेबल। तो यहाँ पर देखो, शीट का नेम भी आ रहा है और यहाँ पर डेटा भी आ रहा है, ये देखिए टेबल के रूप में। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक्सपैंड करेंगे और मुझे इसमें से नेम कॉलम और डेटा कॉलम चाहिए, बाकी ये इसका कुछ काम नहीं है। देखिए, शीट का नेम और शीट का जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, बस अब ये थोड़ा क्लीन होना बाकी है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर ये टेबल है, बाइनरी नहीं है, तो कस्टम फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल तरीके से कस्टम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे मॉडिफाई करेंगे। अब एक फाइल हमने यहाँ कनेक्ट की थी,
देखिए अभी एग्जांपल के लिए सीट रहने देते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। और फटाफट से इसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कैसे करते हैं इसी कैलकुलेशन, तो हम इसमें जा रहे हैं और एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट वीडियो में हमने इसको डीपली समझा था। अगर आपने उसे प्रैक्टिस कर ली है तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मेरा जो डेटा है मेन, वो स्टार्ट होता है ऑर्डर नंबर से और उसके बाद जाता है एंड होता है पे इन एंड पे आउट ऑब्लिगेशन से। तो यानी इन दोनों फील्ड्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, ऑर्डर नंबर एंड पे इन एंड पे आउट। ठीक है, मुझे इनका जो है दोनों इंडेक्स मिल चुके हैं, तो ये स्टेप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम नेम मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूं मैं इंडेक्स टैग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब वापस आकर के मैंने इसकी शीट को इस एडिट इंडेक्स वाला ले लेंगे वापस। ओके, तो एडिट इंडेक्स वाला कॉलम स्टेप आ गया हमारे पास, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर रिकॉल कर लिया है। अब इसको मैं इजीली फिल्टर आउट कर सकता हूँ। मुझे चाहिए एक सेकेंड, कोई बात नहीं, कंट्रोल जट यहाँ होता नहीं है, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। हैज लिखते ही सारे स्टेप्स आ जाएंगे, तो एड इंडेक्स हमारा वापस आ चुका है। अब इसे फिल्टर आउट करना है और फिल्टर आउट करना है हमें इंडेक्स टैब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं बॉटम की रिमूव कर लेते हैं। बॉटम जो है स्टार्ट हो रहा है 42 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की 42 रो रख लेंगे, यानी कि कीप वाले फंक्शन में जाएंगे हम, कीप टॉप की 42, यानी कि नीचे वाला फंक्शन लेना है हमें। अभी एग्जाम्पल 42 लिखते हैं। अब 42 जो है करेक्ट आ गया या नहीं वो देख लेते हैं। 41 तक आ गया है कि करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नल तो हटा देंगे हम इजीली, तो ये ठीक है। तो अब इस 42 को हम इंडेक्स टैब, ओके इंडेक्स टैब में कॉलम नंबर इंडेक्स एंड वैल्यू नीचे वाली 1, तो ये 41 तक आ गया है। अब मुझे टॉप की रोज डिलीट करनी है, रिमूव टॉप रोज करेंगे कौन सी, कहां से, ऑर्डर नंबर से ऊपर की। ऑर्डर नंबर है हमारा 23 नंबर, यानी कि मुझे टॉप 22 रोज डिलीट कर देनी है। तो रिमूव टॉप रोज 22 रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे डेटा सही हो गया है, अब ये करेक्ट हो गया है। एक्चुअली मुझे 23 रिमूव रिमूव करनी है, तो यहाँ अभी 23 कर देते हैं। अब ये ठीक आ रहा है, अब ये ठीक आ रहा है, 23 में बिल्कुल करेक्ट है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको भी डायनेमिक बना लेते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पर थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि हम ये स्टेप लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है वो भी आगे आने वाला है। इंडेक्स टैब के बाद कॉलम नंबर है वो इंडेक्स और वैल्यू है वो 0 ऊपर वाली। ये हो गया खत्म, के बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मतलब सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद से हम बिल्कुल इजीली तरीके से ये वाला स्टेप मूव कर देते हैं। ये हमें डेट चाहिए थी, लेकिन डेट हमारा शीट नेम भी है, तो वो आप समझ सकते हैं कि आप उसे कैसे लगाएंगे। मैं आपको क्लीन करके दिखा रहा हूं इसे। तो इसमें अब नल हटाना है मुझे, रिमूव करना नल, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी मुझे रिमूव करनी लाइन। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम में, ठीक ही है, तो फर्स्ट रो एस हेडर कर देता है। फर्स्ट रो एस हेडर हमने कर दिया है। इसकी करने के बाद इसमें से नल और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लीन अप। अभी हम और फॉर्मेलिटीज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि
हमारा ये फंक्शन यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है एक फंक्शन में, यहीं से असली जो है वो शुरू होती है। तो फंक्शन कन्वर्ट करने से पहले मैं हमेशा सलाह दूंगा कि इसका डुप्लीकेट बना लिया जाए, क्योंकि तो ये बड़ी प्रॉब्लम में हो जाता है, अगर ये कुछ जरा सी एरर हो गई तो पूरा फंक्शन बेकार हो जाएगा दोबारा से। सही। अब देखिए, बिल्कुल तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर मान लीजिए अपना नाम लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, विल्सन एस, या फाइल फाइल एस बाइनरी। देखिए यहां पर हम बाइनरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो हमारे पास इस जगह पर बाइनरी नहीं है। अगर हम बाइनरी लिखते हैं तो बाइनरी में हमें वो फाइल नेम चाहिए होगा, इसलिए हम यहां पर एक्चुअल में बाइनरी ना लिख करके हम लिखेंगे यहां पर टेबल। ठीक है, अब मैं ये हमेशा भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हम लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये फाइल है, लेकिन हर बार हम इसे एक्सेल डॉट वर्कबुक में डाल रहे थे। अब एक्सेल डॉट वर्कबुक से ने हमने वो काम हमने अलग उस शीट में ही पहले ही करवा लिया है, जो तो अलग अलग सिलेक्ट करवा रहा है। तो यहां पर ये टेबल है। अब देखिए इस सोर्स में क्या गया है, इस सोर्स में गया है एक्सेल डॉट वर्कबुक की शीट। ठीक है, फिर उसको उस सोर्स को और नेविगेट किया गया है इससे। ठीक है, अब जो ये क्या गया है, ये है हमारी एक टेबल ना, डेटा गया है ना, इस शीट का डेटा, यानी वो गई है टेबल। यानी अब इस टेबल डॉट एडेड कॉलम इंडेक्स में क्या गया है, ये क्या चीज हुई, ये है एक टेबल, और वही टेबल हम ये वाली फाइल पाथ यहां पर डाल देंगे। ओके, यानी कि अब ये वाला, यानी कि हमें सीट सेलेक्ट करने का पार्ट और सोर्स लेने का पार्ट हमारा कोई सी काम का नहीं है, सीधे ही हम फाइल ले रहे हैं और उसको मैं ही एडेड इंडेक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। अब इसको हमने क्लोज किया, अब ये कन्वर्ट हो गया है फंक्शन में। फंक्शन का नाम दे देते हैं हम func1। ओके, नाम दे देते हैं। अब वापस आते हैं, तो माई डमी थी ये फाइल में। तो यहां तक हमने क्या काम कर लिया था, इस फाइल में देखो ये क्या है, ऑलरेडी टेबल है, यानी कि अब वो फंक्शन किस पर वर्क करेगा, टेबल पर, ना कि बाइनरी पर। बाइनरी में ये फाइल है और इस फाइल के अंदर भी कई सारी शीट्स हैं जो फंक्शन हमारा नेविगेट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको तो हमने इस फंक्शन से, हमने बात की थी कि एक्सेल डॉट वर्कबुक से हमने उसको क्लीन अप कर करके इस स्टेप तक लिया है। हम वापस देख सकते हैं कैसे किया था, हमने फाइल ली थी, अदर कॉलम रिमूव करने के बाद हमने एक फंक्शन लगाया था एक्सेल डॉट वर्कबुक, जिससे हमें ये टेबल मिल गई यहाँ पर, या इस जगह पर और इस जगह पर। और इस टेबल में क्या है, इस टेबल के अंदर है उसकी बहुत सारी शीट्स। देखिए यहाँ पर काइंड शीट आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे शीट्स आइटम, उसके और डिटेल्स, एक और हायरार्की उसमें आ रही है। अब उसको एक्सपेंड किया हमने तो वो ये वैल्यू आ गई, उस वैल्यू के अंदर अब उन शीट्स के टेबल्स हैं जो ये रही। अब आपको पता होगा कि हमने जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन हमने इसी टेबल पर कन्वर्ट किया था। अब देख सकते हैं यही टेबल थी, इस टेबल को आगे कन्वर्ट किया था हमने, यानी फंक्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम ऐड कॉलम करते हैं, कस्टम कॉलम, और इसका नाम दे देते हैं हम डेटा, डेटा नहीं, इस फंक्शन का नाम तो कस्टम ठीक ही है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम फंक वन, फंक्शन का नेम, और अब हम यहाँ पर कंटेंट नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, तो कंटेंट में क्या है, बाइनरी डेटा, और ये फंक्शन आर्गुमेंट में किस ले रहा है, टेबल को। तो हमें यहाँ पर टेबल डेटा चाहिए, तो टेबल डेटा किसके अंदर है, कस्टम डॉट डेट, इस वाले कॉलम के अंदर। ब्रैकेट क्लोज किया और करते हैं ओके। अब जैसे ओके किया, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए डेटा जो बिल्कुल क्लीन अप होके आया था फंक्शन से, हर टेबल के अंदर वही है। देखो इस वाली जो पहले में क्या आ रहा था, देखो ये अनक्लीन डेटा है, और इस नई टेबल में क्या है, बिल्कुल क्लीन डेटा है जो हमने फंक्शन से रेडी कर लिया है। यानी कि अब हमें ये वाले कॉलम का कोई काम नहीं है, इस बाइनरी कॉलम का कोई काम नहीं है, ये हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं ताकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम नेम भी उस टेबल के आगे जुड़ जाएगा, अगर हमें नई चीज हटा सकते हैं। पर हमने ये इसलिए ले लिया है क्योंकि हमें डेट भी चाहिए थी और वो हमने इस फंक्शन में नहीं लिए, आप उसे ले सकते हैं, लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कैसे किया है आप देख सकते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड, सारे कॉलम चाहिए हमको, इसको हटाते हैं, क्लिक करते हैं,
देखिए अब सारा ये एक्सपैंड हो चुका है और ये डेट भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल क्लीन अप तरीके से सारा क्लीन अप हो गया। होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है हमको। एक बार में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। तो कुछ आप करना शुरू कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, एक एक स्टेप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो की धन्यवाद करना चाहूंगा मैथ्यू सर का, तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे इस बात काफी अच्छा लगा कि उन्होंने वीडियो देखी और उसको ट्राई करने की कोशिश किया, हो सकता है इनका ये इम्प्लीमेंट हो। मैंने उनका डेटा चेंज कर दिया है ताकि कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। तो ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाकर चेकआउट कीजिए। आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।